हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो स्टॉक्स का नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा कि स्मॉल कैप 250 होता क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग होती है 1 से लेके 50 तक। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 स्टॉक्स होते हैं और उनकी रैंकिंग होती है 51 से लेके 100 तक। उसी तरह से स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक्स होते हैं और उनकी रैंकिंग होती है 251 से लेके 500 तक। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्मॉल कैप 250 में टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं और उनकी रैंकिंग होती है 251 से लेके 500 तक का। इसके बाद हम और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि स्मॉल कैप 250 आखिर होता क्या है। स्मॉल कैप 250 में जैसे कि दोस्तों 250 स्टॉक्स होते हैं और इन 250 स्टॉक्स को जब हम बास्केट बना के एक इंडेक्स बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्या करता है, ये जो 250 कंपनी है इनके परफॉर्मेंस को हमको बताता है कि ये 250 कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये 250 जो कंपनी है हम उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है। इन कंक्लूजन निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्या करता है, इन 250 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को बताता है, इन 250 कंपनी ने किस तरह के रिटर्न दिए उसको भी शोकेस करता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का और भी बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बेंचमार्क करना हो तो आप इस इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है या ETF में इन्वेस्ट करना है जो कि स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करते हो, तो भी आप इस इंडेक्स को देख के उसमें। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंडेक्स फंड के नाम बताऊंगा जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करते हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल, फिर है निप्पॉन इंडिया, फिर है ICICI प्रूडेंशियल। तीनों जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसा रिटर्न होगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, उतना ही सिमिलर रिटर्न होगा इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का। तो चलिए अब ये देख लेते हैं जो स्मॉल कैप 250 में जो स्टॉक्स है वो कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। इसके बाद मैं आपको निफ्टी 250 के टॉप 10 स्टॉक्स बताऊंगा, उसके बाद हम सेक्टर वाइज पूरे 250 स्टॉक्स का नाम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टॉक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ कौन से सेक्टर से कितने स्टॉक्स हैं ये आपको बता देता हूं। फाइनेंशियल सेक्टर से 35, कैपिटल गुड्स से 28, केमिकल से 25, हेल्थ केयर से 22, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 17, FMCG से 15, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल से 15, सर्विस से 15, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 12, कंस्ट्रक्शन से 12, ऑटोमोबाइल से 11, टेक्सटाइल से 8, मीडिया से 6, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 5, रियलिटी से 5, टेलीकम्युनिकेशन से 5, मेटल एंड माइनिंग से 4, ऑयल एंड गैस से 4। तो लास्ट 3 सेक्टर है वो है पावर से 3, फॉरेस्ट मटेरियल से 2 और डाइवर्सिफाइड से 1। चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में टॉप 10 शेयर कौन से हैं। अब टॉप 10 शेयर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इनकी रैंकिंग होगी 251 से, क्योंकि जो स्मॉल कैप में स्टॉक्स होते हैं वो शुरू होते हैं 251 से लेके 500 तक। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं जो सिटी बैंक है उसका रैंकिंग है 251 और KPIT टेक का रैंक है 252। ये रैंकिंग ऊपर नीचे होते रहती है, जब शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो NSE इंडेक्स को रीबैलेंस करता है और शेयर को ऊपर नीचे करता है। और इसके सामने आप जो परसेंटेज देख रहे हैं यहाँ पे 1.48%, इसका मतलब ये हुआ कि सिटी बैंक का वेटेज इतना है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। बाकी शेयर के सामने भी उनके वेटेज लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे टॉप 10 शेयर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से स्टॉक है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो सबसे पहला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक जो कि स्मॉल कैप 250 में टॉप 10 में आता है। दूसरा है KPIT टेक्नोलॉजीज, फिर है CDSL, कार्बनडम यूनिवर्सल, फिर है अपोलो टायर्स। इसके अलावा जो और 5 कंपनी उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एलगी इक्विपमेंट, IDFC, रेडिको खैता, लक्ष्मी मशीन वर्क, और जो लास्ट स्टॉक है जो कि टॉप 10 का पार्ट है वो है कैम्स। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं इनके नाम बताऊंगा, क्योंकि इसमें 250 स्टॉक्स है तो उतने स्टॉक्स का नाम बता पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेक्टर का नाम चेंज होते जाएगा और साथ में नीचे आपको कंपनीज के नाम मिलते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखते जाइएगा कि जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेक्टर का नाम चेंज हो गया कैपिटल गुड्स और उससे जितने शेयर हैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ इसके बाद मेरी आवाज़ जो है बंद हो जाएगी और आपको शेयर का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिन जिन सेक्टर से आपको जो जो स्टॉक्स देखने हैं इन 250 स्टॉक्स में से, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 250 स्टॉक्स के नाम।
तो अगर आपको किसी और इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है ये जानना है, या किसी और इंडेक्स के बारे में एनालिसिस देखना है, उसके चार्ट के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, आईटी, ऑटो, मेटल, सारे इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।